सो व्हाट्स अप एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल जीनियस क्लासेस। और मैं विपुल शर्मा स्वागत करता हूँ बिजनेस मैनेजमेंट की शानदार क्लास के अंदर। और आज मैं आपको बिजनेस मैनेजमेंट में आपको पढ़ाने वाला हूँ स्टाफिंग के बारे में, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। स्टाफिंग बच्चों, स्टाफिंग का मतलब होता है स्टाफ। स्टाफ का मतलब क्या हो गया, एक कंपनी के अंदर, एक स्कूल के अंदर, एक कॉलेज के अंदर, है ना, एक फैक्ट्री के अंदर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति करना, ऐसे लोगों की नियुक्ति करना जो उस काम की काबिलियत रखते हैं, उस काम को हैंडल करना जानते हैं, उस काम को करना जानते हैं, ऐसे लोगों की नियुक्ति करके उनको रखना अपनी कंपनी के अंदर, फैक्ट्री के अंदर एकत्रित करके रखना, उनको हैंडल करना, उनको काम करने के तरीके बताना, उनको बताना किस तरीके से आपको ये वर्क करना है, इसको बोलते हैं स्टाफ। ये सब मेंबर्स जो हमने कलेक्ट किए इस कलेक्शन को बोलते हैं स्टाफ। आइएगा इस डेफिनेशन के थ्रू पढ़ते हैं कि स्टाफिंग में बी डिफाइंड एज ए प्रोसेस ऑफ रिक्वायरिंग एंड इक्विपिंग द पीपल टू हैंडल वेरियस पोजिशन एंड परफॉर्म असाइन टास्क इन लाइन विद द स्ट्रक्चर एंड द ओवरऑल गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक संगठन के जो लक्ष्य होते हैं उसको पूरा करने के लिए, उस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, उस टास्क को पूरा करने के लिए हम ऐसे लोगों की नियुक्ति करते हैं जो लोग उस काम को योग्य हैं, उस काम को करना जानते हैं, उस काम की नॉलेज रखते हैं। ऐसे लोगों की नियुक्ति करके उनको रखना और अपने गोल्स को अचीव करवाना, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, स्टाफिंग बोलते हैं। इट इज द मैनेजरल फंक्शन विच इन्वॉल्व मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर थ्रू पेपर एंड इफेक्टिव सिलेक्शन अप्रेजल एंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनल टू फिल द रोल असाइन टू द एम्प्लॉय वर्कफोर्स। इन अदर वर्ड्स क्या कह रहा है, इट इज द प्रोसेस इन्वॉल्विंग आइडेंटिफाइंग, असाइनिंग, प्लेसिंग, इवेल्युएटिंग एंड डायरेक्टिंग इंडिविजुअल एट वर्क प्लेस। स्टाफिंग फंक्शन इन्वॉल्व मैन पावर प्लानिंग, रिक्वायरमेंट, सेलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस, है ना, ये सब आता है। इसकी मीनिंग पढ़ लेते हैं आप एक बार, इसका अर्थ पढ़िएगा, जो मैंने आपको बताया वही मिलेगा आपको। कि मीनिंग ऑफ मैन पावर रिसोर्सेज इज अ मेजर मार्जिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर एडुकेट सप्लाई और पर्सनल एट द राइट टाइम बोथ इन टर्म ऑफ देयर क्वालिटी क्वान्टिटी एंड एप्टीट्यूड। मैन पावर प्लानिंग विच इज कॉल्ड HR प्लानिंग कंसिस्ट ऑफ पुटिंग राइट नंबर ऑफ पीपल एट द राइट प्लेस राइट टाइम डूइंग द राइट थिंग्स फॉर विच दे आर सुटेड फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो मैंने आपको बताया ना, अपने काम के, अपने लक्ष्य को, अपनी फैक्ट्री के, अपनी कंपनी के, अपनी स्कूल के, जो भी हमारे टारगेट्स होते हैं, जो भी उसको बढ़ाना होता है, उसकी अचीवमेंट्स होती है, उसको बढ़ाने के लिए, उसको पाने के लिए ही ऐसे लोगों की नियुक्ति करते हैं, ऐसे ऐसे योग्य उम्मीदवारों को रखते हैं जो उस काम को करने के लायक हैं और उस काम को करना जानते हैं। उस क्वांटिटी को, उस रिक्वायरिंग को हम क्या बोलते हैं, मैन पावर प्लानिंग, है ना। बाकी आप रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन पढ़ सकते हैं, आप रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन पढ़ सकते हैं। रिक्रूटमेंट द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द एप्ट कैंडिडेट द इंडिक्टिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब एंड ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ऐसे लोगों की नियुक्ति करने के लिए, है ना, ऐसे लोगों की नियुक्ति करना जो लोग उस जॉब की, उस संगठन में जो जॉब है ना, जो नौकरी है उसको पाने के लिए उन्होंने अप्लाई किया है, तो वो रिक्वायरमेंट और सिलेक्शन के अंदर आता है। द सक्सेस ऑफ एनी रिक्वायरमेंट डिपेंड्स अपॉन द प्रोसेस फॉलो बाय द कंपनी व्हाइल रिक्वायरिंग द मेंबर्स। डेफिनेशन पढ़ सकते हैं आप सेल्फ। इट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग ऑफ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये होगी आपकी डेफिनेशन। सोर्सेज ऑफ रिक्वायरमेंट पढ़ सकते हैं। सोर्स रिक्वायरमेंट मे बी एक्सटर्नल और इंटरनल, दोनों जगह होता है। इट इंक्लूड, इसके अंदर एडवर्टाइजमेंट हो गया, एम्प्लॉय एजेंसीज हो गया, ठीक है, पब्लिक हो गया, प्राइवेट हो गया, कैंपस रिक्वायरमेंट हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, एम्प्लॉय रिमेडीज हो गया, लेबर यूनियन हो गया, गेट हायरिंग हो गया,
अनसॉलिडेड एप्लीकेट हो गया, जॉबर एंड कंट्रक्टर हो गया, कॉन्ट्रैक्टर, वॉक इन इंटरव्यू, इंटरनल सोर्सेज इंक्लूड ट्रांसफर, प्रमोशन एंड सिलेक्शन पढ़ सकते हो आप लोग। इट इज़ द सिलेक्शन किस बेस पे होता है, जब हम उस बंदे को देख लेते हैं क्या ये ये पर्सन इस जॉब के लायक है नहीं है, ये अपना भली भांति उस काम को जानता है नहीं जानता, उसका सिलेक्शन किस बेस पे करते हैं। इट इज़ द प्रोसेस अडॉप्टेड बाई द ऑर्गेनाइजेशन टू सेलेक्ट एडुकेट नंबर ऑफ पर्सन हु आर फिट फॉर द जॉब। क्या यह है, क्या वह व्यक्ति उस नौकरी के लिए, उस जॉब के लिए फिट है ना, क्या वो उसकी प्रतिपूर्ति कर सकता है। सिलेक्शन प्रोसीजर स्टार्ट विद द एंड ऑफ रिक्वायरमेंट्स, सिंस इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन ऑफ अ कैंडिडेट हु इज़ नॉट सुटेबल फॉर द जॉब सिलेक्शन, है ना। उस कैंडिडेट को उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाती है जो उस जॉब के सिलेक्शन के लायक नहीं होता, जो डिजर्व नहीं करता। ट्रेनिंग के बारे में पढ़ सकते हैं आप। इट इज़ द रेफर टू प्रोग्रामिंग, दिस फैकल्टी ऑफ एम्प्लॉई परफॉर्म द जॉब इफेक्टिवली। अक्सर देखा गया होता है कि जब भी किसी कंपनी के अंदर जो लोग जॉब करने जाते हैं, ऐसा नहीं कि उसको परमानेंटली तभी कर दिया जाता है, पहले उसको 1 ईयर की या 2 ईयर्स की उसको ट्रेनिंग पर रखा जाता है, जहाँ उसको उस ट्रेनिंग का पैसा जरूर दिया जाता है, लेकिन वो एज ए ट्रेनर वो परमानेंट नहीं होता। जब तक वो काम अच्छे से सीख नहीं जाएगा तब तक वो परमानेंट नहीं होता, उसको ट्रेनिंग बोलते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग पढ़ सकते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। तो आप लोग इसको पढ़िएगा सेल्फ, इसके बाद डायरेक्शन आ जाता है, इसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही रख लेते हैं, या डायरेक्शन है इसके अंदर, क्या स्टाफिंग के अंदर डायरेक्शन आ जाता है? यस आ जाता है, तो डायरेक्शन भी पढ़ लो आप। डायरेक्टिंग डायरेक्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ, यह काम करेंगे इसको नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतने रखते हैं, आई होप आपको स्टाफिंग अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं आपको स्टाफिंग के बारे में, ये चीज़ें मेन होती हैं। और मैं आपको बताऊँगा, जो लॉन्ग क्वेश्चन कभी भी याद नहीं किया जाता, सिर्फ और सिर्फ हमेशा उसको समझा जाता है। अगर हमने किसी भी क्वेश्चन को समझ लिया तो हमारा मैक्सिमम 95% काम खत्म हो जाता है, क्योंकि अगर हम समझ करके लिखेंगे ना तो हमारे से अच्छा लिखा जाता है। तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप लोग क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, क्वेश्चन को हिंदी में समझें। जो चीज़ें हम आपको बताते हैं, साथ ही नोट्स लगातार प्रिपेयर करते रहिएगा, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है। नोट्स नहीं बनाओगे तो समस्या आपको होगी एग्ज़ाम के टाइम पे, ठीक है ना। और सेल्फ स्टडी करना बहुत अच्छी चीज़ होती है। देखो, सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो मार्क्स नहीं आएंगे। अगर आप इस भरोसे रहेंगे कि क्लास में पढ़ लिया, ट्यूशन में पढ़ लिया, या फिर स्कूल कॉलेज में पढ़ लिया, तो वो काम नहीं चलेगा भाई। आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। सेल्फ स्टडी बहुत बड़ी चीज़ होती है, सेल्फ स्टडी के बिना कुछ भी नहीं, ठीक है। तो मैं आपको एडवाइस करूँगा, आप सेल्फ स्टडी ज़रूर करें और नोट्स प्रिपेयर करें, ठीक है। और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी, मेरा पढ़ाना अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और कमेंट जरूर करके बताएं कैसी लगी। एंड साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें। कुछ बात करनी है, कुछ पूछना है मुझसे आपको, उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।